आपको ब्रेक के बाद, लॉकडाउन की वजह से अगर एटीएम से पैसे निकालने के लिए आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपकी मदद के लिए अब पोस्ट ऑफिस ने पहल की है। अब आप घर बैठे 10,000 रुपए तक कैश ले सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा देखिए इस रिपोर्ट में, और इस काम की खबर को अपनों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरों में दिख रहा ये आदमी पोस्ट ऑफिस से आया कर्मचारी है। महिला को लॉकडाउन के समय पैसों की आवश्यकता पड़ी तो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी खुद घर पर पैसे देने आया। घर पर कर्मचारी ने महिला के आधार कार्ड को स्कैन किया, महिला ने बायोमेट्रिक जानकारी दी और फट से पैसे हाथ में, जिसमें आपका भारत के किसी भी बैंक में, किसी भी भारत के कोने में अगर आपका खाता है और आपने अगर आधार उसमें इनेबल करा रखा है, सीट करा रखा है, तो हम लोग घर पर जाकर और अपने मोबाइल के थ्रू एपीएस के माध्यम से हम उनको 10,000 रुपए तक डिस्पर्स कर रहे हैं। ये अनोखी पहल पोस्ट ऑफिस ने शुरू की है। इस दौरान कर्मचारी कोरोना से बचाव के लिए सावधानी भी बरत रहे हैं। अब आप इस सुविधा को समझिए। एपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, किसी भी बैंक में खाता हो, खाता आधार कार्ड से लिंक हो, 10,000 रुपए तक आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। इसके लिए आपको अपनी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होगा। मुजफ्फरपुर के लोग इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद मार्च के महीने में जिले में 7,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि पूरे उत्तर बिहार में 30 मार्च के दिन ही करीब 20 करोड़ का भुगतान किया गया। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर नागपुर के बारे में ऐसे ही जानकारी दी थी। लॉकडाउन के बीच पोस्ट ऑफिस की ये मुहिम लोगों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। देखिए खबर हर उस आदमी के काम की है जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है लॉकडाउन की वजह से और उसको पैसे की जरूरत है। इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, अपनों को बताइए ताकि उनकी भी दिक्कतें दूर हो।